हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर को हम कंटिन्यू करते हुए एयर ब्रीदिंग फिशेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर, सप्लीमेंट्री फीडिंग। तो आज ऑलमोस्ट हमारा जो फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर जो यूनिट नंबर 4 है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी जो कुछ क्वेश्चन बच्चे जब बच जाएंगे तो हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एयर ब्रीदिंग फिशेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसमें जो नाम जो टॉप फिशेस जो हैं वो आती हैं, एक तो आती है चन्ना पंगटेटस और है चन्ना मुरुलस। ये दोनों म्यूरल फिश के अंदर आती है। ठीक है, चन्ना पंगटेटस और चन्ना मुरुलस जो है ये म्यूरल फिशेस के अंदर आती है। उसके बाद है एच फोसिलस जिसको हम कहते हैं सिंगी फिश, फिर है क्लेरस बैटरेकस जिसको हम कहते हैं मैगूर फिश, फिर है ए टेस्टुडिनस क्लाइमिंग बिर्च कहते हैं, चन्ना स्टेटस ये भी म्यूरल फिश है। तो ये जो अब एयर ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है एक्वा कल्चर के अंदर, देखिए जो एयर ब्रीदिंग फिशेस होती हैं उनके अंदर एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस करते हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और जो वो ऑर्गन्स जो हैं वो फिशेस को बहुत लंबे टाइम तक वाटर के अंदर कोई ऐसे जगह भी उनको वहां पे जिंदा रख सकते हैं जहां पे जो ऑक्सीजन है वो पोर होगा। ठीक है, अगर वो कहीं मड के अंदर, मॉइस्ट मड के अंदर फंस जाती है तो वहां भी ये जिंदा रह सकती हैं, क्योंकि जो इनकी जो एयर ब्रीदिंग ऑर्गन होता है वो वेल डेवलप्ड होता है इसी वजह से। अब क्या होता है, जो एयर ब्रीदिंग फिशेज हैं उनके अंदर एक पेयर होता है एयर चेंबर जिसको हम कहते हैं सुपरा ब्रेंचियल कैविटी। तो जो ये कैविटी होती है ये डेवलप होती है फेरिंग से, कहाँ से, फेरिंग से। तो ये जो होती है सुपरा ब्रेंचियल कैविटीज ये इतनी अच्छी होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं, जो कि जो फिशेज हैं वो आराम से जो है वो ब्रीथ कर सकती है पानी के अंदर, चाहे वो पानी सूटेबल ना भी हो तब भी वो अपने आप को वहां पे अडेप्ट कर लेती है। उसके बाद इसकी जो एडवांटेज है, जो मेन चीज़ है हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि जो ये फिशेस होती हैं इनकी कमर्शियल जो वैल्यू है मार्केट के अंदर वो बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है, इसको हम लाइव फिशेस भी कहते हैं या ज्यूल फिशेस भी कहते हैं। जो एयर ब्रीथिंग फिशेस होती हैं इनकी जो प्राइस है वो भी अच्छी होती है। क्यों होती है अच्छी, क्योंकि उनके अंदर हाई प्रोटीन, हाई आयरन, लो फैट कंटेंट और ईजी डाइजेस्टिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन हैं, वो भी कन्वेलसेंस, ड्यूरिंग कन्वेलसेंस मतलब क्या होता है, कन्वेलसेंस का ऐसा पीरियड होता है जब इंसान बीमार पड़ जाता है रिकवर होता है। ठीक है ना, जो टाइमिंग रिकवरी की टाइमिंग होती है बीमार से रिकवर होना उसको हम कहते हैं कन्वेलसेंस। तो उस पीरियड में डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि आप इस फिश को खाओ, किस फिश को, जो एयर ब्रीदिंग फिशेज हैं जिनका नाम मैंने बताया आपको। ठीक, उसके बाद और हम बात करें इन जो ये फिशेज होती हैं इनकी जो एक्सलेंटली क्या है, जो सप्लीमेंट्री फीडिंग है वो विद ड्राइड मैरीन ट्रैश, ऑयल केक, राइस ब्रैन, जो मुगर होती है क्लेरस बैटरेकस और सिंगी, ये इनको हम कहते हैं ये ज़्यादातर ये गैस्ट्रोपोड्स या माइक्रो क्रस्टेशियंस हैं या ट्यूबिफेसिड वॉर्म्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, लार्वा हैं, ये इनको खाती हैं। ठीक है ना, जो कि ईजिली जो है अवेलेबल हो जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जब जो चीजें अवेलेबल इजिली हो जाएंगी तो उनको कल्चर करने में कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती है। और हम कोई की बात करें जिसका साइंटिफिक नाम एनाबास टेस्टुडिनस है, ये जनरली माइक्रो प्लैंकटन फीडर है जो कि यंगर स्टेज में खाती है, और ये जब इंसेक्टिवरस हो जाती है लेटर स्टेज में। और कोई जो है ये अच्छी इसकी भी जो ओरिएंटेड जो ये इसका जो फीडिंग है ये ऑयल केक और राइस ब्रान जो है ये ऑलरेडी मिल जाता है, तो इजिली इनको भी हम कल्चर कर सकते हैं। उसके बाद जो एयर ब्रीदिंग फिशेज होती हैं, और हम आज की बात करें फॉर्म द बुल्क एंड मेन स्टे ऑफ टैंक फिशरी इन इंडिया। ठीक है, खासकर जो आंध्र प्रदेश है, आसाम है, बिहार है, कर्नाटका है, या मध्य प्रदेश की बात करें, मेघालय की करें, महाराष्ट्र की करें, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये तमाम जो कितनी मेन टॉप स्टेट है जहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी है वहां पे इनकी जो है बहुत सारे मकदार में ये पाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं जो ये फिशेज हैं इनका कितना अच्छा है न्यूट्रिटिव पर्पज के लिए, कितनी अच्छी होती है सेहत के लिए। उसके बाद जो एयर ब्रीदिंग कार्निवरस फिशेज होती हैं ये कल्टीवेट की जाती हैं फॉलोइंग रीजंस। पहला की रीजन क्या होता है कि इनके अंदर हाई प्रोटीन होता है, दूसरा हाई आयरन होता है, तीसरा लो कंटेंट फैट होता है।
ठीक है, और इसकी मेडिसिनल वैल्यू जो है, मेडिसिनल वैल्यू बड़ी अच्छी होती है। दूसरी चीज क्या है, दे हैव ए हाई मार्केट डिमांड, मार्केट के अंदर इसकी डिमांड बड़ी जबरदस्त है, इसी वजह से इसको जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद जो एयर ब्रीदिंग फिश होती है, हैव एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, देयर कल्चर कैन बी अंडरटेकन इन रिजेक्टेड फॉल वाटर ऑफ शैलो पॉन्ड्स, स्विम्स, वेडी वाटर, अदर काइंड्स ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीटेड वाटर बॉडीज। तो जहाँ पे बहुत सारे जो फिशेज हैं वहाँ पे नहीं कल्चर की जाती हैं, तो इनको वहाँ पे जाके कल्चर किया जाता है। दे आर हार्डी फिशेज एंड कैन एडजस्ट टू एनी एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। दे रिक्वायर लिटल रेयरिंग, देयर कल्चर इन्वॉल्व्स लेस रिस्क, देयर कल्चर मैनेजमेंट इज सिंपल विदाउट मच कॉम्प्लिकेशन। तो ये चीजें हैं, ये रीजन है जिसकी वजह से इनको हम कल्चर करते हैं। अब क्या है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, द कल्चर ऑफ एयर ब्रीथिंग फिश इज डन बाय द फॉलोइंग वे। आप बताइए कौन सा वे है जिससे हम एयर ब्रीथिंग फिश को कल्चर करते हैं। देखिए, जो पॉन्ड कल्चर है ये भी होता है, स्विम कल्चर भी होता है, केज एंड पिन कल्चर भी होता है, और हाई डेंसिटी कल्चर भी होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल, ठीक है, ऑल जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद डैश डैश फिल्टर्स आउट फूड ग्रेन्स एंड सैंड इन द वाटर दैट फ्लोज इन टू द गिल्स। बताओ, और गिल्स के अंदर कोई फूड ग्रेन आ जाती है या कोई सैंड आ जाती है जब वाटर का फ्लो होता है, तो कौन इनमें से है जो फिल्टर करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या इसका आंसर आ सकता है। गिल कॉम्ब, क्या है, गिल कॉम्ब जो है इसका सही आंसर है, ठीक। उसके बाद व्हाई गिल कॉम्ब फिल्टर आउट ग्रेन्स एंड सैंड वाटर दैट इनटू द गिल्स, व्हाई, क्यों करता है। नीचे जो दिए गए हैं, टू मैक्सिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, टू प्रिवेंट गिल फिलामेंट फ्रॉम इंजरीज, टू अलाउ काउंटर करंट, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर इफेक्टिव गैस एक्सचेंज। तो इसका आंसर क्या आएगा, टू प्रिवेंट गिल फिलामेंट फ्रॉम इंजरीज, ताकि गिल फिलामेंट इंजरी से बच जाए, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद वेयर डज ऑक्सीजन डिफ्यूज टेक प्लेस, आप बताइए इनमें से किस जगह ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन है वो टेक प्लेस होती है। गिल आर्च, ऑपरकुलम, गिल लैमिला, गिल कॉम्ब। इसका सही आंसर क्या है, गिल लैमिला, याद रखना, गिल लैमिला, गिल लैमिला जो है, गिल लैमिला, ये क्या होता है, ये यूज होता है इंक्रीज द सरफेस एरिया, बिटवीन द सरफेस एरिया, इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट टू मैक्सिमाइज गैस एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ गैस एक्सचेंज इज असिस्टेड बाय हार्ट प्रेशर, वाटर टेम्परेचर, काउंटर करंट एक्सचेंज या बकल कैविटी। यहाँ पे जो दिया गया है इसका आंसर क्या है, आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या है, काउंटर करंट एक्सचेंज, क्या आएगा, काउंटर करंट एक्सचेंज जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद What is the characteristic of lamella? Lamella के क्या characteristic है, कौन से character है, क्या thin membrane होती है, क्या इनकी जो blood capillaries होती है वो rich होती है, surrounding जो है by water होती है, large surface area होता है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर यहाँ पे नीचे ऑप्शन एक और दिया जाएगा जहाँ पे लिखा होगा all, क्या लिखा होगा, all, that means thin membranes भी होती है, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है ना, ये है इसका आंसर। उसके बाद जी, इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखो अब थोड़ा हम हट के एक सेकंड के लिए हम हटते हैं, थोड़ा देखते हैं कि अगर एनिमल्स की बात करें, हम ह्यूमंस की बात करें, कहाँ पे जो है गैस एक्सचेंज टेक प्लेस होती है, ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा, एल्वोलाई, ठीक है ना, ये ह्यूमंस की बात मैंने की, एक दो क्वेश्चन अगर हमने सेलेक्ट कर भी दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कमेंट नहीं करना है, नहीं सर आपने वो बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद ए कॉमन ट्रेट बिटवीन टैडपोल एंड फिश, कॉमन ट्रेट टैडपोल फिश के बिटवीन क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, स्केल्स, लैटरल लाइंस, फिन्स या लेग्स। देखो जो कॉमन ट्रेट है इसका आंसर क्या आएगा, लैटरल लाइंस, ठीक है, लैटरल लाइंस। उसके बाद जो नेक्स्ट है जीनस एंडोस्केलेटल, इनमें से आप बताइए कौन सी जो है इनमें से जिसके एंडोस्केलेटन कॉटलेजेस होते हैं। देखो जो इलाजमो ब्रांच फिशेज होती है ना, उनका जो बाहर का जो होता है एंडोस्केलेटन क्या होता है, वो कॉटलेजेस होता है, ठीक है ना, बोनी नहीं होता है। टू फिशेज हैव फिन्स एंड गिल्स,
दिस इज नॉट ए ट्रू ट्रू फिशेज हैव फिन्स एंड गिल्स. ट्रू फिश को क्या होते हैं? फिन्स और गिल्स. दिस इज नॉट ए ट्रू फिश. इनमें से बताइए कौन सी जो है ट्रू फिश नहीं है. हिप्पोकैम्पस एक फिश है जिसका नाम सी हारस है. हाइथ्रमिक्टस सिल्वर कार्प्स का नाम दिया गया है. करेशियस गोल्ड फिश को कहा जाता है. लपिस्मा एक इंसेक्ट है. दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? लपिस्मा. सिल्वर फिश जो है ये एक इंसेक्ट है, एक फिश नहीं है. क्लासिफिकेशन ऑफ फिश सीड. क्लासिफिकेशन ऑफ फिश सीड. फिश सीड को जो क्लासिफाई किया गया है, देखिए हमने यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है और यहाँ पे नेम दिए हैं. यहाँ पे कितना है जो स्पॉन होता है या हैचिंग लार्वा होता है वो 5 to 15 mm होता है. अर्ली जो फ्राई होता है वो होता है 15 to 25 mm. फ्राई जो होता है वो होता है 26 to 40 mm. एडवांस फ्राई अगर हम बात करें 41 to 60 mm. अर्ली फिंगरलेग्स जो होते हैं 61 to 80 mm. फिंगरलेग्स जो होते हैं होते 81 to 100 mm. एडवांस फिंगरलेग्स जो होते होते 101 to 125 mm. और अगर हम बात करें जूनिवाइल को, जूनिवाइल होते हैं 126 से 150 एमएम और यियरलिंग जो होते हैं 151 से 200 एमएम. तो ये किसका नाम है? ये फिश सीड्स का नाम है. ठीक है, तो अगर हम फिश सीड की बात करें, ये एक्वा कल्चर के लिए जो इंडिया के अंदर ऑब्टेन होता है, इसके तीन सोर्स हैं. कितने सोर्स हैं? तीन सोर्स. और एवरीन जो है, एवरीन कलेक्शन होती है, बंड ब्रीडिंग होती है, हैचरीज होती है थ्रो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग. अब इसमें क्या होता है, एक हाइपोफाइजेशन टेक्निक होती है यूज, जिसमें राइप फिश ब्रूडर्स को राइप किया जाता है, तब उसको पिट्यूटरी हार्मोन्स का जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है उसकी बॉडी के अंदर. तो उसे क्या होता है, स्पॉन इन कैप्टिव कंडीशन. ठीक है, तो ये जो है ये सोर्सेज हैं जिससे फिश का जो सीड है वो एक्वाकल्चर की तरफ लिया, एक्वाकल्चर जो है किया जाता है इंडिया के अंदर. अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट देखते हैं. देखो जी, और एवरीन फिश सोर्सेज की अगर हम बात करें, गंगा जो है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस इन नॉर्थ है, पेनिनसुलर ईस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट है साउथ के अंदर, ये जो है ये सोर्सेज हैं. क्या है? सोर्सेज. किसके सोर्सेज हैं? सीड के सोर्सेज. सीड आपको मैंने बता दिया क्या होते हैं. अगर हम गंगा की बात करें, इसकी जो टोटल लेंथ है ये है 8047 किलोमीटर. ठीक है, ये किसकी है? ये गंगा रिवर सिस्टम की है. आप देखो जो गंगा रिवर है ये ओरिजिनेट होता है हिमालय माउंटेन एट गुमुख. गुमुख जो है इसको हम बोलते हैं टर्मिनस ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर. ये कहाँ पे आता है? ये उत्तराखंड के अंदर आता है. सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश स्पीशीज. इसमें मैजिक कॉर्प्स जो है बहुत ज़रा, माइनर कॉर्प्स, कैट फिशेस, प्रॉन्स. ठीक है ना, ये जो है इसकी मेजोरिटी रहती है गंगा रिवर सिस्टम के अंदर. ठीक, उसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र की बात करें. जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है इसकी जो लेंथ है वो है 4023 किलोमीटर. इसके अंदर कॉप्स, कैट फिशेज, हिल्सा एंड अदर एयर ब्रीदिंग फिश जो है इसके अंदर होती है. ठीक है, किसके अंदर होती है? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के अंदर. क्या बात करें, इंडस रिवर सिस्टम जो है आप जानते हैं जो ट्राउट है, ट्राउट का जो है इसका मेन रोल जो है ट्राउट का किया जाता है यहाँ पे होता है कश्मीर के अंदर. इसको हम बताएं आपको, ये पंज नद है. ठीक है ना, पंज नद जो है ये 5 rivers की बनी हुई है, झेलम, चिनाब, रवि, बीस और सुतलज. तो यहाँ पे से क्या होता है, जो पंज नद है ये 5 rivers की बनी हुई है. तो ये कहाँ पे पड़ती है? ये इंडस रिवर सिस्टम किसी के अंदर पड़ता है. ओके, तो यहाँ पे ट्राउट, शैडो थ्रैक्स वगैरह बहुत सी फिशेज जो है यहाँ पे पाई जाती है. उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश सीड. फिश सीड को जो है ट्रांसपोर्ट किस तरह किया जाता है? देखो जो फिश सीड जो है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम हैचरी यूनिट्स टू द फिश फार्म टू रेयर देम इन कल्चर सिस्टम. ठीक है, अब जो ब्रीडर्स हैं यूजुअली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कल्चर सिस्टम टू हैचरी यूनिट्स. किसके लिए? फॉर ब्रीडिंग. इसको या तो इंड्यूस ब्रीडिंग किया जाता है या तो फिर नेचुरली हो जाती है. ट्रांसपोर्टेशन जो है ये सबसे बेहतर रहता है अगर हम मॉर्निंग में करें. ठीक है, वाटर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कूल और काम होना चाहिए. ठीक, ऑक्सीजन जो पैकिंग है ये बेस्ट मेथड है ट्रांसपोर्टेशन के लिए. और अगर हम सीड पैकिंग बैग्स जो होते हैं ये शुड बी कवर विद वेट गनी बैग्स सो द टेम्परेचर ऑफ सीड पैकिंग बैग विल बी मेंटेन्ड, ताकि जो है उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे. ठीक है,
मड पार्ट्स जो है असम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, उड़ीसा की बात करें वहां पे जो है ये यूज किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है। तो पार्ट्स जो है वो फिल किए जाते हैं वाटर में फॉर स्पानिंग ग्राउंड टू अबाउट 2/3 ऑफ देयर कैपेसिटी, और राउंड 3 कैरीज जो है ये भी यूज किए जाते हैं, और क्योंकि जो जो ये होते हैं आयरन शीट के बने हुए छोटे छोटे, इसको होल किए जाते हैं ताकि जो ऑक्सीजन है वो आता रहे। ऑक्सीजन 10 कैरिज में है जो ट्रांसपोर्ट सीट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको हम रोड से, ट्रेन से या एयर से जब भी ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ऑक्सीजन 10 कैरिज जो है वो यूज किए जाते हैं। पॉलीथीन बैग्स जो है अगर इनको हम वाटर के साथ फिल करते हैं, सीड और ऑक्सीजन उसको हम पैक करते हैं टिन के अंदर, तो ये भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक। तो ये था कुछ सी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो जो मेन रीजन होते हैं फॉर मोर्टेलिटी ऑफ सीड, अब क्या होता है कभी कभी जब ट्रांसपोर्ट करते हैं सीड को, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो वहां पे मोर्टेलिटी रेट, मतलब ये है कि डेथ रेट जो है वो ज्यादा हो जाती है। क्यों, रीजन क्या है? सबसे पहली बात है कि वो जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस तरह बन जाएंगे, आप खुद बना सकते हैं क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एक्युमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिट्स जिस तरह अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, फीसेस एक्स्ट्रा, उसके बाद डिजीज और पैरासाइट, फिजिकल इंजरी कहीं हो जाती है, तो इसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। और जो है उसके बाद बायो फर्टिलाइजर आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। बायो जो फर्टिलाइजर है ये इको फ्रेंडली बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स को बजाय अगर हम बात करें बायो फर्टिलाइजर की, ये फ्रेंडली होते हैं खासकर एक्वा कल्चर के अंदर, जो कि अच्छा एम टू मिनिमाइज वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को खत्म करना, कम करने के लिए, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, फिश ग्रोथ को, रेट को एनहेंस करने के लिए। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, आंसर आपको यहाँ मिल जाता है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होते हैं ये यूज होते हैं फिश एक्वा कल्चर के अंदर, ताकि जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो ज्यादा हो जाए और जो वाटर बॉडी है वो प्रोडक्शन जो है, फिश प्रोडक्शन जो है वहां पे अच्छी तरह से हो जाए। यह है बायो फर्टिलाइजर के बारे में जो आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। बायो फर्टिलाइजर ये हम डिफाइंड किस तरह करते हैं, ये एज माइक्रोबियल इनुकुलेंट्स विच कंटेन लाइव और लैटेंट सेल्स ऑफ सिलेक्टेड स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, पहली चीज, ओके। दे आर यूज्ड एज सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स। द बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड्स खासकर जो साइनो बैक्टीरिया है या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जिसका, जैसे राइजोबियम है, आइजोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर है, एजोसिपरिलिम है, एंड फॉस्फेट सोलिबराइजिंग बैक्टीरिया सच एज बेसिलस है। ये कुछ बायो फर्टिलाइजर के नाम हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। उसके बाद आपके सिलेबस के अंदर जो है सप्लीमेंट्री फीडिंग, सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे क्या होता है, देखो इन द प्रॉफिटेबल फिश फार्मिंग, अगर आप चाहते हैं आपकी जो फार्म कर रहे हैं फिश उसमें प्रॉफिट आए, तो देयर इज ए नीड फॉर रेगुलर सप्लाई ऑफ सस्टेनड एंड बैलेंस फूड फॉर फिश, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो मछली तैयार की है अपने पोर्ट्स के अंदर या कोई फार्म के अंदर, तो उसको अच्छी तरह ग्रोथ हो जाए, कोई बीमारी ना लगे, तो उससे बेहतर है कि आप उसको अच्छी सप्लाई क्या फूड दे दो, ठीक है। अगर आप खुद भी खुराक अच्छी तरह खाओगे तो आप भी अच्छी हेल्थी रहोगे, और गंदी खाओगे तो बीमारियां पड़ेंगी। तो ये बात होती है फिशेस के अंदर भी। टू इंश्योर सस्टेनेड ग्रोथ आर्टिफिशियल फूड हैज टू बी सप्लीमेंटेड एट टाइम ऑफ नेचर फूड सेक्रेटरी इन पोर्ट्स। अब क्या होता है कभी कभी जो नेचर फूड है वो जब हम एक्वाकल्चर करते हैं खुद, तो किसी जगह जो है नेचर फूड नहीं मिल पाती है, उसकी बड़ी कमी रहती है, तो उससे क्या करते हैं हम लोग। द टाइपिकल सप्लीमेंट्री फूड्स आर, अब देखो कुछ जिस तरह राइस ब्रैन है, ग्राउंडनट ऑयल है, ऑयल केक है, ब्रेड क्रम्स हैं, फिश मील, मेज पावर, ब्रोकन राइस, सोयाबीन केक, पीनट केक, कॉर्न मील, कॉटन सीड ऑयल केक, ओट्स, बैरली पोटैटोज, कोकोनट केक, स्वीट पोटैटोज, जूनियर ग्रास, नेपियर ग्रास, वीट, सिल्क वर्म पुपिया, लेफ्ट ओवर एनिमल फीड्स एंड एनिमल मैन्यूर्स। तो ये कुछ टाइपिकल सप्लीमेंट्री फूड थे जो मैंने आपको बताया, जो कि फिश फार्म करने के लिए ये जरूरत पड़ते हैं। इन चीज़ों को हम लेते हैं ताकि जो फिश की ग्रोथ है वो अच्छी तरह से अपने हिसाब से हो जाए, उनको खुराक की कमी नहीं लगनी चाहिए। द काइंड ऑफ एक्स्ट्रा फूड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फिश।
फॉर एग्जाम्पल तिलापिया ईट्स ऑलमोस्ट एनीथिंग इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी फूड्स। अब क्या होता है, टाइप्स ऑफ अगर हम डिपेंड करें फूड, किसी किसी को एक्स्ट्रा फूड दी जाती है क्योंकि जो तिलापिया है ये जो ऐसी फिश है जो हर चीज़ जो है ये ले लेती है, ठीक है ना। तिलापिया जो फिश है इसको जो चीज़ दे दो वही खाएगी। सिल्वर कार्प जो है ये सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स खाती है इवन एट द मार्केटेबल साइज, ठीक है। तो ये था जो आपने देखा, ये था किसके बारे में, सप्लीमेंट्री फीड्स गिवन टू डिफरेंट कल्टिवेटेड फिश ऑफ डाइवर्स फीडिंग हैबिटेट्स। और आप देखो जो सप्लीमेंट्री फीड्स हैं, बहुत सारी कल्टिवेटेड फिश हैं जिनको दिया जाता है, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो उनके बेसिस पे हैबिटेट बेसिस पे हैबिट्स की बेसिस पे दिया जाता है। जिस तरह से जो वेजिटेबल फीड्स हैं, ये जो वेजिटेबल फीड्स सच एज लीव्स ग्रासेस ट्यूबर्स एंड रूट्स स्टार्चेस, उसके बाद ऑयल केस की अगर हम बात करें ये मस्टर्ड का होता है या ग्राउंडनट का होता है, ये तिल का या कोकोनट एक्स्ट्रा। ग्रेन फूड होता है ये व्हीट ब्रेन का, राइस का, ल्यूपिन का, सोयाबीन का या मेज बैली का बना हुआ होता है। और जो फिश एनिमल्स ओरिजिन होते हैं, जिस तरह फिश फ्लोर है, फिश मील है, फ्रेश मीट है, वार्म ब्लड एनिमल्स ब्लड पोल्ट्री एग्स श्रिम्प्स क्रैब्स मसल्स स्नेल्स, ये जो होते हैं ये एनिमल्स ओरिजिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एडिटिव्स की, जिस तरह से विटामिन से और मिनरल्स हैं ये भी दिए जाते हैं। फीड्स जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो आप अगर आपको समझ आ जाए आ गया होगा ना, तो आप आराम से क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब देखो द सिलेक्शन ऑफ सप्लीमेंट्री फीड्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर। अब जो सिलेक्शन है सप्लीमेंट्री फीड की ये डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स का, जिस तरह से रेडी एक्सेप्टेबिलिटी टू फिश, ठीक है। पहली चीज ये है ऐसी सप्लीमेंट ऐसी नंबर ऐसा तैयार करना है जो कि फिश एक्सेप्ट करे, इजी डाइजेस्ट हो जाए, उसकी हाई कन्वर्जन वैल्यू हो, ट्रांसपोर्टेशन उसका इजी हो जाए, अवेलेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा हो, रेडी एक्सेप्टेबिलिटी बाय फिश एंड इट्स कन्वर्सेशन रेशियो कन्वर्जन रेशियो एंड द इन्वॉल्वड कॉस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट शुड बी ए बैलेंस्ड वन विद एडिक्वेट प्रोटीन्स फैट कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स विटामिन्स। ऐसा ना हो कि हम एक फिश तैयार करने में, अगर हम एक फिश तैयार करने में खर्चा कर दें 1,000 रुपया, ठीक है, कितना कर दें 1,000 रुपया, अब वही फिश हम बेच दें बाद में 300 रुपये में, ये ऐसा तो नहीं करना है ना, ठीक है ना। हमें उस हिसाब से फीड देना है जिस हिसाब से मार्केट वैल्यू होगी फिश की, ठीक है ना। बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स अलग से पढ़नी पड़ेगी फिश के लिए मुझे लगता है, ठीक है ना। द रेट ऑफ फूड कन्वर्जन डिपेंड्स ऑन, अब जो फूड कन्वर्जन की रेट है वो किस पे डिपेंड है, क्वालिटी ऑफ सप्लीमेंट्री फीड, सबसे पहले हम क्वालिटी देखनी है उस फीड की कैसी है, स्टॉकिंग डेंसिटी जो है फिश की, साइज एंड एज ऑफ द फिश कैसा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जिस तरह से टेम्परेचर है, ऑक्सीजन टेंशन वाटर एक्स्ट्रा, द मैथड ऑफ फीडिंग, द स्प्रेडिंग एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ें जो है ये देखनी है, फूड कन्वर्जन इसी पर डिपेंड है। आगे समझ आपको, उसके बाद आप ही के सिलेबस के अंदर है मेनूरिंग। क्या है मेनूरिंग, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, बहुत से नहीं जानते होंगे। अब मेनूरिंग क्या होता है, मेनूरिंग करने से पॉइंट्स के अंदर एक ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाती है जिसमें जो स्टॉक है उसको इंक्रीज किया जाता है, गुड क्वालिटी नेचुरल फूड्स, देयर बाय इंक्रीजिंग फिश प्रोडक्शन, जो है वो जो फिश प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज हो जाती है। जब इंक्रीज हो जाएगी फिश प्रोडक्शन तो जो डेंसिटी होगी स्टॉक की वो भी क्या हो जाएगी, ठीक ठाक। तो जो इफेक्टिवनेस है मेजरिंग डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर, जिस तरह से वाटर का टेम्परेचर देखा जाएगा, पीएच ऑक्सीजन, सोइल ऑफ द पॉइंट देखी जाएगी, टेक्निकल स्टेट ऑफ पॉइंट, केमिकल्स फर्टिलाइजर जो है पॉइंट्स के अंदर कौन से हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ये मैनर जो है की जाती है। अब क्या है जो मैनरिंग है, इसमें जो ऑर्गेनिक मैनर्स है यूज्ड इन पॉन्ड्स की अगर हम बात करें, डंग क्या होता है, गोबर, लिक्विड कंपोस्ट, कंपोस्ट, ग्रीन मैनर्स, ये जो है ये ऑर्गेनिक मैनर है। क्या है, खाद, आप क्या बोलते हैं आपको उर्दू में खाद बोला जाता है, ठीक। उसके बाद द यूज ऑफ फर्टिलाइजर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल फूड फॉर फिश। फर्टिलाइजर जो है ये नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं जो यूज होते हैं पॉन्ड्स के अंदर, ताकि प्रोडक्शन जो है नेचुरल फूड ऑर्गेनिज्म की वो क्या हो, अच्छी हो, इंक्रीज हो। तो दीज ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स, जिसमें फाइटो प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है ना, दे आर ऑल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड वेब।
तो कन्वर्जिंग टुवर्ड्स फिश प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट्स, जिस तरह फर्टिलाइजर जो है ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ प्लैंकटोनिक एल्गे विच प्रोवाइड फूड फॉर मेनी फिशेस। ठीक है ना, तो हर एक के फायदे भी है नुकसान भी है। ठीक है ना, When fertilizer is added to a fish pond, जब fertilizers को add किया जाता है fish pond के अंदर, the chemicals it contains dissolve in water, जो chemical वहाँ होते हैं वो कहाँ dissolve हो जाते हैं water के अंदर। अब क्या होता है, a portion is usually rapidly taken up by the phytoplankton presents either to be stored, sometimes is quite large proportions or to be systematic use of growth production। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो proportion होता है वो attract by become attached to the organic and mineral particles present both in the pond water and upper layer of the bottom layer of soil। कुछ chemicals ऊपर रह जाते हैं, कुछ chemicals नीचे रह जाते हैं, ऊपर वाले भी benefit देते हैं, नीचे वाले भी देते हैं। ठीक है ना, अब देखो जो सेकंड पोर्शन होता है ना, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया की डेवलपमेंट में बड़ा काम आता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में इंटरनलाइज मोर न्यूट्रिशन बैक इन टू द मड और वाटर, द केमिकल्स अटैच टू सोइल पार्टिकल्स में आल्सो लेटर बी रिलीज्ड बैक इन टू द वाटर स्लोली। ओके, उसके बाद लाइमिंग क्या है, लाइमिंग भी आपके दिए गए हैं आपके सिलेबस के अंदर। लाइम रिक्वायरमेंट ऑफ पोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ लाइमिंग मटेरियल नीडेड। लाइमिंग क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज करती है एसिडिटी ऑफ पॉइंट बॉटम सोइल एंड इंक्रीज द टोटल एल्कलिनिटी ऑफ द वाटर इबो एटलीस्ट 25 mg पर कैल्शियम कार्बोनेट। देखो लाइमिंग का पहला जो काम है वो क्या है कि एसिडिटी को वो न्यूट्रलाइज करती है, उसके बाद जो एल्कलिनिटी को है वाटर की उसको क्या करती है वो इंक्रीज करती है, ताकि जो मेंटेनेंस है वाटर के अंदर वो बिल्कुल ठीक रहे और जो फिश है वो अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाए। द लाइम रिक्वायरमेंट्स देयरफॉर वेरीज डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द बॉटम सोइल, हैवी क्ले रिक्वायरिंग मोर लाइम देन सैंडी सोइल। अब क्या है, जो लाइम रिक्वायरमेंट होती है ना ये भी डिपेंड करती है कि अलग अलग तरह से, अगर सोइल बॉटम का जो बॉटम की सोइल है उसका नेचर अगर हैवी क्ले है तो जो लाइम है उसको क्या वो ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है ना, हैवी ले रिक्वायरिंग मोर लाइम देन सैंडी सोइल। अब क्या है, अगर सोइल के अंदर जो पीएच है एसिडिक सोइल आर रिक्वायरिंग मोर लाइम देन न्यूट्रल सोइल, अगर एसिडिक सोइल है उसको भी लाइमिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर जो वाटर है टोटल एल्कलिनिटी जो है उसकी वो सॉफ्ट वाटर विद लो टीए रिक्वायर्स मोर लाइम देन हार्ड वाटर, उसके बाद इट आल्सो वेरीज विद द थिकनेस ऑफ द बॉटम एंड मड। तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको अच्छी तरह से ये भी पढ़ना पड़ेगा। अगर हम इनिशियल ट्रीटमेंट बात करें न्यू पॉन्ड्स की, उसमें क्या होता है, अगर हम अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द सोइल स्प्रेड फ्रॉम 2000 kg पर हेक्टर, ठीक है, अगर ये सैंडी सोइल है और 4000 kg पर हेक्टर कैल्शियम कार्बोनेट हैवी क्ले सोइल है in on the dry bottom on equivalent amount of type of lime, ye dekho routine dekhni padti hai, routine treatment of pond water। ab dekho about once a month, mahine mein ek bar ph ko check karna padega har, theek hai na, ye baat yaar ye routine treatment hoti hai pond water ki, ke once a month check the ph of the pond water at the end of the day, ya fir hum end of the day pe bhi isko hum dekh sakte hain। theek hai, अगर पीएच लेस देन 6.5 है तो हमें क्या करना है, 150 से लेकर 200 केजी कैल्शियम कार्बोनेट का डाल देना है। फिर हमें पीएच 1 week लेटर उसके बाद देखना है, रिपीटिंग लाइमिंग इफ पीएच इज स्टिल टू लो, अगर पीएच फिर लो हुई तो फिर हमें यही जो है सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करना है। अगर पीएच जो है बिटवीन 6.5 टू 8.5 तो हमें टोटल एग्निटी जो है वाटर की वो देखनी है, अगर वो 75 मिलीग्राम पर कैल्शियम कार्बोनेट है तो हमें क्या करना है, लाइम को इंक्रीज कर देना है, बहुत सारे डोज देने स्टार्ट कर देने हैं। अगर पीएच जो है ये ग्रेटर देन 8.5 है तो हमें लाइमिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी आप अच्छी तरह पढ़िएगा। ठीक, उसके बाद जी यूजुअली लाइमिंग मटेरियल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड सेपरेटली। ओके, यूजुअली लाइमिंग मटेरियल्स और फर्टिलाइजर जो है ये अप्लाई किए जाते हैं सेपरेटली।
लाइमिंग देन शुड बी डन एट लीस्ट 2 weeks, preferably 1 month before any application of fertilizer. Annual liming, therefore, is carried out in different periods of the year according to the pond management schedule. In temperate climates such as Europe, fattening ponds may be limed in autumn just after they have been drained and harvested. Quick lime or hydrated lime is spread on the water pond bottom, and fertilizers are applied in spring only on the bottom hand. Nursery ponds are limed in the spring just before they are half filled with water, fertilizer being distributed later. अगर हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें, जो पॉन्ड्स हैं ये बेस्ट क्लाइमेट एज सून एज फिश हैव बीन हार्वेस्टेड एंड एट लीस्ट 2 weeks बिफोर न्यू बैच ऑफ फिश आर स्टॉकड, फर्टिलाइजर आर देन अप्लाइड 15 to 13 days आफ्टर लाइमिंग. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट है, ये आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए. नेक्स्ट जो आपके लिए लेक्चर आएगा वो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप देखिएगा वो लेक्चर भी. आज मेरी सेहत ठीक नहीं है तो इसलिए आज कुछ खास पढ़ा भी नहीं पाया मैं, ना समझा पाया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका रिदम जो है वो टूट ना जाए. ठीक है, आपका रिदम जो है वो बरकरार रहना चाहिए. आपके लिए ऑब्जेक्टिव में ज़रूर लेके आऊँगा, टेंशन नहीं लेना आप. थैंक यू.